नमस्कार। आज के हमारी इस वीडियो में हम कवच ऑथेंटिकेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर डिस्कस करेंगे, जहां पर हम कुछ इश्यूज को एड्रेस करेंगे। पुराने कवच ऑथेंटिकेशन के दो वीडियोस में हमने डेस्कटॉप वर्जन पे कैसे कवच ऑथेंटिकेशन को यूज़ करना है और हमें मोबाइल पर कैसे उसको यूज़ करना है, दोनों के फीचर्स, दोनों के बेनिफिट्स हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसमें इस वीडियो में देखेंगे कि मान लीजिए आपको नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा है, जिससे आप नोटिफिकेशन का मतलब ये है, अगर मैंने वर्ड फाइल में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस तरह की स्क्रीन जो अभी आपको दिख रही है, इस तरह का अगर एक्सेप्ट का बटन ही नहीं आ रहा है तो आप कैसे अपने उसमें लॉगिन करेंगे। और अदरवाइज आप जब इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आपको फिर टाइम आउट एरर आ जाता है और आप अपने ईमेल को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। पर उसी का एक सॉल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, पर सबको इसकी जानकारी नहीं रहती है, तो वो मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा। दो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक हम ऑप्शन डिस्कस करेंगे पुल का। पुल का मतलब ये है, जो आप ये वाला साइन देख रहे हैं, ये वाला साइन, ये पुल का ऑप्शन है। यानी अगर हमें नोटिफिकेशन नहीं आया है तो हम उस नोटिफिकेशन को खींच के ले आए, पुल करके अपने पास ले आए। और दूसरा ऑप्शन हम ओटीपी बेस का करेंगे, कि ये जो यहाँ नंबर चेंजेस होते रहते हैं 30 सेकेंड्स में, एक्चुअली ये नंबर क्या है, इस पर कभी ध्यान नहीं जाता ये एग्जैक्टली क्या है, तो इसका भी मैं आपको यूज़ अभी इसमें बताऊंगा। हम इसका यूज़ करके भी लॉगिन कर सकते हैं हमारे पास अगर नोटिफिकेशन नहीं आया। तो पहले हम पुल वाले ऑप्शन में चलते हैं, उसके लिए मैं वर्ड डॉक्यूमेंट को ही खोल लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझा सकेंगे उसको। तो ठीक है, नेचुरली ये हमारी स्क्रीन है, यहाँ पर हम यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं, यहाँ हमारे पास ये स्क्रीन इस तरह की आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्क्रीन में जैसे ही आपने ईमेल में सबमिट किया तो मान लीजिए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, यानी कि ये स्क्रीन हमारे पास एक्सेप्ट और डिनाई की नहीं आ रही है, तो आप तुरंत एक काम करें, आप अपने इसमें जाकर ये जो पुल वाला ऑप्शन है, इस पुल वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिए। पुल का ऑप्शन जब आप क्लिक करेंगे तो दो केसेस बन सकते हैं, या तो वहाँ ये लिख के आ रहा हो नो पेंडिंग नोटिफिकेशंस, अगर ऐसा लिख के आ रहा है तब तो आप हेल्पलेस हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि क्या है, आपकी रिक्वेस्ट मे भी सर्वर तक पहुंची ही नहीं। पर ऐसा रेयर केस में होगा, ज़्यादातर केसेस में आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन इस तरह का मिल जाएगा पुल वाले ऑप्शन में ही। यहाँ पुल वाला ऑप्शन करेंगे तो नो नो पेंडिंग नोटिफिकेशन मिल सकता है, या फिर ये स्क्रीन आएगी। इसका मतलब ये है कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर तक पहुँच गई है और वहाँ से जनरेट भी हो गया है नोटिफिकेशन, पर आपको चूंकि फ्रंट स्क्रीन में नहीं मिला तो आपने यहाँ पर आकर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लिक एनी वेयर ऑन दिस टाइल टू प्रोसेस दिस रिक्वेस्ट, बस आप इस पे कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए। जब आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर से ये एक्सेप्ट और डिनाई वाली स्क्रीन आ जाएगी, यानी आपने नोटिफिकेशन को पुल कर लिया। आप एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए, आप मेल के इनबॉक्स में चले जाएंगे, आप अपना मेल को यूज़ कर सकते हैं। तो एक मेथड तो हमारी ये थी। अब हमारे पास दूसरी मेथड है जो कि बहुत यूज़फुल है। अगर मान लीजिए नो पेंडिंग नोटिफिकेशन आ रहा है आपको बार बार, पहले तो आप रिट्राई कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिल रहा है। अगर बार बार आपको नो पेंडिंग नोटिफिकेशन वाली स्क्रीन मिल जा रही है, आपके फ्रंट स्क्रीन में भी नहीं आ रही है, तो फिर हम लॉगिन कैसे करें, लॉगिन तो हमको करना है। तो उसके लिए जो है तरीका ये है हमारा, कि आप अपनी यूज़र नेम डालिए, जो भी आपका यूज़र नेम है, मान लीजिए abc@nic.in या abc@xyz.in, मतलब गवर्नमेंट डोमेन में ही हो। और उसके बाद जब पासवर्ड आप डालते हैं तो पासवर्ड के बाद आप क्या करिए, उसमें अपना ये जो आपका यहाँ पे टोकन कहते हैं इसको, या आप कह लीजिए ओटीपी कह लीजिए, तो मान लीजिए आपकी ईमेल आईडी की कॉरेस्पॉन्डिंग ये 28 सेकेंड्स हैं, अभी ये खत्म नहीं होना चाहिए, 30 सेकेंड के बाद रिन्यू हो जाएगा। तो आप बस अपने पासवर्ड में ऐड कर दीजिए इस नंबर को, मतलब मान लीजिए आपका पासवर्ड होता 123, तो आपको लिखना पड़ता 123 और उसके बाद इसी नंबर को हम डाल देते 408419, और सबमिट पे आप जब साइन इन पे क्लिक करते तो आपका ईमेल एक्सेस हो जाएगा। ये एक्चुअली सर्वर से ही सिंक है और वहां से हर 30 सेकेंड्स में आपका ओटीपी या टोकन जो है वो रिन्यू हो रहा है। यानी एक तरह से ये भी एक सिक्योरिटी फीचर है और इजी है, क्योंकि आप हमेशा स्क्रीन में ये आपको एक्सेसिबल होता है। तो मतलब मैं एक बार और बता देता हूँ, जैसे पासवर्ड आपका है abc@123, तो आपको पासवर्ड में क्या डालना पड़ेगा, abc@123, और उसके बाद आप ये नंबर ऐड कर दीजिए 408419 और लॉग इन कर जाइए। तो आपके पास अब टोटल तीन मेथड्स हैं जो हमने देखा था। एक तो सिंपल, आपने यूज़र नेम पासवर्ड डाला तो आप लॉगिन कर गए और नोटिफिकेशन आया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा पुल का ऑप्शन है, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास है ओटीपी यानी टोकन का। तो ये तीन मेथड से आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। ये टोकन का इसलिए कि कई बार हमारा नेटवर्क का इश्यू होता है, कई बार हमारे पास नोटिफिकेशन आने में टाइम ज़्यादा लग जाता है तो वो टाइम आउट हो जाता है, तो उस इशू को एड्रेस करने के लिए हम ये टोकन मेथड का यूज़ करते हैं।
मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके नोटिफिकेशन रिलेटेड या लॉगिन रिलेटेड या कुछ लोगों को टाइम आउट एरर का जो इशू आता है वो तीनों इश्यूज एड्रेस हो गए होंगे और काफ़ी लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगेगा। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।